और अब कहानी एक ऐसे दुकान की जिसके मालिक को कभी 60 रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन आज उनकी पीढ़ी उस दुकान की बदौलत माला माल हो गई है। छिंदवाड़ा के अमित स्वीट्स के समोसे और चने दाल की चटनी के कई लोग दीवाने हैं। खास रिपोर्ट देखिए। दिखने में भले ये समोसे और स्वीट्स की दुकान हो, लेकिन इसके ओनर और इसकी कहानी बहुत अलग है। यहाँ के बिना लहसुन प्याज वाले समोसे और चटनी बेहद फेमस है। नाम बहुत है, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत और समय भी लगा है। दुकान मालिक अमित रूपड़ा की माने तो 1972 में उनके पिता अरविंद रतिलाल रूपड़ा गुजरात से 60 रुपए की सैलरी पर भिलाई के एक होटल में काम करने आए थे। उनकी अचानक तबीयत खराब हुई तो होटल मालिक ने उन्हें घर लौटने को कह दिया, लेकिन अरविंद घर नहीं लौटे और छिंदवाड़ा आ गए। यहाँ आकर उन्होंने चाय नाश्ते की दुकान खोल ली। मेरे दादा की दुकान गुजरात में थी और पापा पहले दुर्ग में जॉब करते थे इसी लाइन में, और फिर वहाँ से उनका जॉब टूटा तो फिर उन्होंने 1972 में वो छिंदवाड़ा आए थे और एक छोटी सी दुकान बलवंत स्वीट करके खोले थे। वो किसी कारण से वो दुकान किराए से थी तो वो खाली हो गई। उसके बाद फिर ये दुकान लिए थे किराए से, बाद में धीरे से उसको परचेस किए और 50 साल से यहीं पे छिंदवाड़ा में था। जिसने भी अमित स्वीट्स के बिना प्याज लहसुन के समोसे खाए, वो इसमें डलने वाले मसाले और चटनी के जायके की तारीफ किए बिना रह नहीं सके। समोसे में डलने वाले मसाले घर के बने होते हैं, इसमें 24 प्रकार के मसाले मिलाए जाते हैं। अमित स्वीट्स जो है ये करीब 40-45 साल से यहाँ स्थापित है। पहले छोटी थी, अभी काफी यहाँ चीजें मिलती है। यहाँ की शुद्धता और टेस्ट के बारे में पूरे शहर में प्रतिष्ठित है और हम लोग यहाँ अक्सर शाम को नाश्ता करने आते हैं। लजीज स्वाद की ओर सुबह 7 बजे से ही लोग खींचे चले आते हैं। यहाँ कई सालों से कई लोग समोसे को ही अपना नाश्ता बना चुके हैं। इसमें डलने वाली चना दाल की चटनी को भी लोग काफी पसंद करते हैं। मैं करीब 30 साल से इस दुकान में आ रहा हूँ। मतलब हम लोग दोस्त लोग कॉलेज में पढ़ते जब से यहाँ नाश्ता करने आ रहे हैं रेगुलर, और बड़ा अच्छा है। पहले बहुत छोटी हुआ करती थी दुकान, आज थोड़ी काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ का समोसा बड़ा फेमस है, हम लोग तो खाते ही खाते हैं और लोग काफ़ी पैक करके यहाँ से ले भी जाते हैं और आज तक बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कभी दुकान के संस्थापक की सैलरी 60 रुपया हुआ करती थी, लेकिन समोसे ने समय का पहिया घुमाया और वो माला माल हो गए। आज आम लोग ही नहीं बल्कि राजनेता और अधिकारी भी इसका स्वाद लेने आते हैं। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज़, छिंदवाड़ा।